hello students in this video we will discuss chapter number 1 a period of transition students before starting the chapter i want to share with you all a very interesting information and it may be that most of you uh, may know it okay so students whatever history we have completed in class 6 that is called ancient history वट एवर हिस्ट्री यू हैव कम्प्लीटेड इन क्लास सेवन दैट इज मेडअल हिस्ट्री नाउ यू आल आर इन क्लास एज सो यू विल रीड अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री ओके तो क्या डिफरेंस है एंशंट हिस्ट्री मेडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में तो देखो बच्चा एंशंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं इंडस्टली सिविलाइजेशन नायल वैली सिविलाइजेशन चाइनीज सिविलाइजेशन ओके फिर हम अशोक को पढ़ते हैं जब आप लोग क्लास सेवेंथ में आए तो क्लास सेवेंथ के स्टार्टिंग चैप्टर क्या थे राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी राइज ऑफ इस्लाम है ना हाँ फिर आपने मुगल एम्पायर को पढ़ा दिल्ली सल्तनत को पढ़ा वो सब मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट है इस ईयर क्लास एट में आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे ठीक है जहाँ पर हम लोग देखेंगे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर एंड स्टार्टिंग ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ठीक है इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर के राइस को हम लोग इस पढ़ेंगे और उसे ख़त्म भी करेंगे सो so स्टूडेंट अब मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दे के आपका एक मिनट क्यों बर्बाद किया वो इसलिए बिकॉज वट एवर एक्सरसाइज इज़ देयर इन योर गैचड सेक्शन उस गेटेड सेक्शन में आपको इमेज़ uh, पिक्चर्स दी गई है उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि जो भी इमेज़स हैं वो किस हिस्ट्री पीरियड को बिलोंग करती हैं इसलिए बताना ज़रूरी था तो so स्टूडेंट ये गोल गंबज ये मिटवल पीरियड में बना है ये है न, क्या इंस्क्रिप्शन है जो एंशंट पीरियड को बिलोंग करते हैं ठीक है ठीके? ये रेड फोर्ट ये भी मिडवर्ड पीरियड में बना है अंडर मुगल रूल फिर बच्चा ये पार्लियामेंट है तो ये पार्लियामेंट तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है जिसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आ, ये जो सील्स हैं ये इंडस्ट्रियली सिविलाइजेशन को बिलोंग करती हैं या हो सकता किसी और सिविलाइजेशन की हो तो ये भी एंशेंट पीरियड की है और ये जो न्यूज़पेपर है हरिजन ये दिस इज वन ऑफ द न्यूज पेपर विच इज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी महात्मा गांधी के दो न्यूज पेपर थे एक था नेशनल हेराल्ड और दूसरा था हरिजन तो ये भी मॉडर्न पीरियड को ही बिलोंग करता है ठीक तो यहां है बात तो यहाँ पर सिक्स इमेजेस गिवन है दिस टू बिलोंग्स टू एंशियंट पीरियड दिस टू बिलोंग्स टू मॉडर्न पीरियड एंड दिस मेडिवल पीरियड ओके अब हिस्ट्री क्या है स्टडी है किसकी स्टडी है चेंजिंग पैटर्न इन सोसाइटी सोसाइटी में जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं उनकी पढ़ाई को ये हम क्या बोलते हैं बच्चा हिस्ट्री इन जो भी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चेंजिंग पैटर्न से इनको कैरेक्टराइज करने के लिए जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने हिस्ट्री को थ्री पीरियड्स में डिवाइड किया दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर एंशियन मिडेवल एंड मॉडर्न एंशियन मिडेवल मॉडर्न ये जो ब्रॉड डिवीजन है दिस ब्रॉड डिवीजन

उससे मिडवल पीरियड थोड़ा सा अलग होगा थोड़ा सा एडवांस्ड होगा मिडवल पीरियड से जो मॉडर्न पीरियड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा थोड़ा सा मॉडर्न होगा हो ही ना क्योंकि ग्रेजुअली हम लोग डेवलप uh, करते जा रहे हैं ना वन पीरियड डिफोर्ट फ्रॉम द प्रसिडिंग एंड दक्सीडिंग पीरियड ये इससे अलग है और इससे भी अलग है ऑब सी बात है ना जो. अब अगर मॉडर्न एज बिक क्लास एथ तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस ईयर आप लोग मॉडर्न एज मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं तो क्या फीचर्स है मॉडर्न हिस्ट्री के तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर इंडस्ट्रलाइजेशन जो हैंडमेड प्रोडक्ट था उसको रिप्लेस कर रहे थे मशीन मेड प्रोडक्ट्स नए नए टूल्स नई नई मशीनरी आ रही थी जो हमारे वर्क को थोड़ा सा ईजी बना रही थी देन अर्बनाइजेशन urbanization मीन्स the एरिया where economy is इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ठीक है एग्रीकल्चर पे जहाँ इकोनॉमी डिपेंडेंट नहीं है उसे हमने अर्बनाइजेशन बोला तो डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स नेमली सिटीज सिटीज वगैरह डेवलप कर रही थी देन साइंटिफिक प्रोग्रेस अगर आप मशीन्स की बात करें टूल्स की बात कर रहे हैं तो इज़ इट पॉसिबल विदाउट साइंटिफ़िक प्रोग्रेस टू हैव टेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रही थी इस टाइम में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बन रहे थे मुनार की ग्राजुली धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही थी रैशनलिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चा मॉडर्न पीरियड का कि uh, जब से पीरियड स्टार्ट हुआ ये इसके पहले भी थोड़ा बहुत था पर इस इस पीरियड में तो बहुत ज़्यादा लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग की बात की दे वांट टू एग्जाम एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ रीज़न हर चीज़ करने का हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न पीरियड देन ह्यूमैनिज्म ह्यूमन बीइंग नॉट ओनली नॉट गॉड इज़ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ठीक है अब बेटा जैसे हम लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को देखते हैं uh, ब्राह्मण uh, मतलब हम इंडिया की बात करें तो हम ब्राह्मणों की बात करें तो देवर बेसिकली फोकस्ड ऑन गॉड भगवान कैसे खुश होगा पर जब मॉडर्न टाइम आया मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न पीरियड में हमने जो ह्यूमन बीइंग है उसको वर्ल्ड के सेंटर में रखा ना ही भगवान को ओके स्टूडेंट्स ओवरनाइट तो हमारी हाइट और हेल्थ भी नहीं बढ़ती तो तुम्हें लगता है क्या कि मिडिवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में हम ओवरनाइट आ गए होंगे सोए मिडिवल पीरियड में उठे मॉडर्न पीरियड में नॉट एट ऑल ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम कंटिन्यू ग्रेजुअल धीरे 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 होता है ठीक है ऑल्सो द मॉडर्न पीरियड नॉट बिगिन एट द सेम टाइम इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देखो ब्रिटिश इंग्लैंड में जो मॉडर्न पीरियड आया उसका टाइम फ्रेम बिल्कुल अलग था एज कंपेयर टू सऊदी अरेबिया और इंडिया इंडिया और सऊदी अरेबिया में भी डिफरेंस है तो वर्ल्ड के सारे पार्ट में जो मॉडर्न पीरियड है वो साथ में बिगिन नहीं हुआ स्टूडेंट्स जो एटीन सेंचुरी अब एटीन सेंचुरी सेंचुरी कौन सा पीरियड है वो पीरियड जो सेवनटीन नॉट वन सत्रह सौ एक टू एटीन हंड्रेड अठारह सौ तक चलेगा उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं एटी सेंचुरी ठीक है बात तो ये जो एटीन सेंचुरी है इसे हम स्टार्टिंग रेफरिंग पॉइंट बांधते हैं किसका मॉडर्न पीरियड इन इंडिया का इंडिया में जो मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ वो एटीन सेंचुरी में हुआ एटीन सेंचुरी स्टार्ट होती है सेवनटीन जीरो वन से और खत्म होती है एटीन हंड्रेड पे ओके और ये वो टाइम था स्टूडेंट जब ब्रिटिश इंडिया के मास्टर इंडिया के रूलर बनने लग गए इंडिया को उन्होंने एक कॉलोनी बना लिया वो बहुत सारे चेंजेस अपने साथ लेके आए इन डिफरेंट फील्ड्स हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया उन्होंने हमारे क्लोथिंग को हमारे फूड को हमारे कस्टम्स को मतलब लाइफ की हर फील्ड को चेंज न, किया ये अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आए जिससे डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ चेंज हो गई और चेंजेस इतने रेडिकल थे कि यहाँ से हमने यही कह दिया कि एक नए पीरियड का स्टार्ट हुआ है द चेंजेस वो सो रेडिकल इतने रेडिकल थे कि जो भी हिस्टोरियन जो हिस्ट्री लिखने वाले थे उन्होंने इस पीरियड को कहा कि चलो न्यू बिगे न्यू पीरियड स्टार्ट हो रहा है अब तो ऑन द अदर हैंड द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप बिगेन इन सिक्सटीन सेंचुरी ओके स्टूडेंट्स और यही मॉडर्न पीरियड यूरोप में स्टार्ट हो गया था सिक्सटीन सेंचुरी एज वी है पैराग्राफ दैट जो मॉडर्न uh, पीरियड था वो पूरे वर्ल्ड में एक साथ स्टार्ट नहीं हुआ तो यहाँ पर उसका प्रूफ भी दे दिया कि एटीन सेंचुरी में मॉडर्न पीरियड इंडिया में स्टार्ट हो रहा है और वहीं सिक्सटीन सेंचुरी में ये स्टार्ट हो चुका है यूरोप में अबंडस मटेरियल अवेलेबल फॉर मॉडर्न पीरियड इन इंडिया बिकॉज दैट टाइम रीडिंग एंड राइटिंग फ्लरिस्ड एट लॉट बहुत ज़्यादा रीडिंग राइटिंग फैली हुई थी इवन न्यूज पेपर्स वर देयर बुक्स वर देयर सो देयर वॉज नो लैक ऑफ रिसोर्सिस कि हम स्ट्रिक कैसे पढ़ें क्या बनाएँ किस चीज़ को क्या सोचें ऐसा कुछ भी नहीं था एवरी थिंग वॉज कंप्लीटली अवेलेबल ठीक है हर चीज़ बिल्कुल इतने अच्छे से अवेलेबल थी कि आपको कोई किसी चीज़ को अज्यूम नहीं करना है ठीक है सब रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल है जो रिटर्न फॉर्म में अवेलेबल नहीं है उसका एक आइडिया प्रॉपर वे में लगा सकते हो कि जो कुछ भी लिखा हुआ है तो अबंडेंस ऑफ सोर्सेज अवेलेबल हैं दिस कैन बी डिवाइड इन टू प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज बहुत सारे प्राइमरी सोर्सेज भी हैं बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेज भी अवेलेबल हैं इफ़ यू वॉन्ट टू राइट और रीड द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया अब यहाँ पर मैंने बोला मॉडर्न इंडिया ये तो टेक्निकली गलत हो गया मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया मॉडर्न पीरियड को अगर इंडिया के पढ़ना है आपको तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है ठीक है मॉडर्न इंडिया नहीं मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया क्योंकि हम यहाँ पर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं प्राइमरी सोर्सेज को डिस्कस करेंगे प्राइमरी सोर्सेज में इंक्लूड है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे लेटर्स वो सारे लेटर्स जो एक स्टेट की गवर्नमेंट ने दूसरी गवर्नमेंट को लिखे ठीक है फिर हमारे जो उस टाइम में लीडर्स थे कांग्रेस थी ठीक है उनके सारे लेटर्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटेंसिव सर्वेस करवाए थे इंडिया में वो अवेलेबल हैं ऑटोबायोग्राफीज़ तो अवेलेबल हैं न्यूज़ रील्स न्यूज़पेपर स्पीचेस ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग फोटोग्राफ स्कल्पचर पेंटिंग इवन द सच रिमेन्स मोन्यूमेंट्स आर्टिफैक्ट्स सब कुछ भर भर के अवेलेबल है मेनी ऑफ दिस प्राइमरी सोर्सेज हैव बीन प्रिजर्व इन आर्चीव और ये जितने भी प्राइमरी सोर्सेज हैं इन्हें हम इन्हें हमने आर्चिव्स और म्यूजियम्स में प्रिजर्व करके संरक्षित करके संभाल करके रखा हुआ है नाउ सेकेंडरी सोर्सेज तो सेकेंडरी सोर्सेज में आएगा बच्चा हिस्टोरियंस स्टडी प्राइमरी सोर्स एंड जो भी हिस्टोरियंस थे उन्होंने प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ा और फिर अपना इंटरप्रिटेशन लिख दिया कि अच्छा है ये था तो ऐसा होगा ये है तो ऐसे होगा ये जो इंटरप्रटेशन हैं ये सेकेंडरी सोसिज़ हैं अगर आज मैं कोई रिसर्च करना चाहती हूँ तो मैं प्राइमरी सोर्स को भी पढ़ूँगी हिस्टोरियंस के इंटरप्रटेशंस को भी पढ़ूँगी तो मेरे पास और ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है कि ओरिजिनल सोर्सेज है वो तो अवेलेबल है ही हिस्टोरियंस के इंटरप्रटेश भी मेरे पास अवेलेबल होंगे दीज आर अवेलेबल टू अस एज़ रिपोर्ट रिव्यू आर्टिकल बुक्स बाय स्टोरियज कुछ हिस्टोरियंस ने आर्टिकल्स लिखे हैं कुछ नए रिव्यूज़ लिखे हैं कुछ रिपोर्ट्स लिखे हैं और कुछ नए बुकें लिखी तो इफ़ आई वॉन्ट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आई कैन रीड द बुक विच वॉज रिटन बाय हु पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो चीज़ें बताई गई एकदम स्टार्टिंग से वेद से वगैरह से तो उसके लिए मेरे पास अदर सोर्सेस भी हैं पर मैं बुक को भी एक रेफरेंस पॉइंट बना सकती हूँ मॉडर्न यूरोप ओके तो जो मॉडर्न पीरियड था अगर हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि क्या 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 उस टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए तो पहला कैरेक्टर जो है पहला फीचर पहली विशेषता है ग्रेटर इंटरेक्शन एमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मॉडर्न पीरियड वो पीरियड था स्टूडेंट्स जहाँ पर कंट्री एक दूसरे के साथ ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहने लगी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन वर्ल्ड में कंट्रीज़ का होने लग गया ठीक है इंडिया भी ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे इसके प्रभाव से इसके इन्फ्लुएंस से बहुत ज्यादा दूर नहीं था इंडिया डेवलपमेंट इन डिफरेंट ऑफ़ वर्ल्ड वर्ल्ड में जो चेंजेस आ रहे थे उसमें उससे इंडिया भी में भी इफेक्ट हुआ कुछ इन्फ्लुएंस आए ठीक है तो बेटा इंडिया के हिस्ट्री के मॉडर्न पीरियड को हम डिस्कस करें हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया हम पढ़े उसके पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जान पाएँ समझ पाएँ कि उस पर्टिकुलर टाइम में कौन से सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या चेंजेस आए uh, पूरे वर्ल्ड में ओके विदाउट विच यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड मॉडर्न हिस्ट्री ओके ऑफ इंडिया स्टार्टिंग से तो जो मॉडर्न पीरियड था उसके जो कैरेटिस्टिक्स हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेटरिस्टिक्स है कि जो इंटरेक्शन था एमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वो थोड़ा सा बढ़ गया ठीक है इंडिया भी इसके इन्फ्लुएंस से दूर नहीं रह पाया इंडिया के ऊपर भी बराबर इसका इन्फ्लुएंस आया रिनैसांस ठीक है, है। पुनर्जागरण हिंदी में इसको बोलते हैं पुनर्जागरण रिनैसांस तो जो वर्ड रिनैसांस है उसका लिटरल मीनिंग होता है रीबर्थ ओके ये कल्चरल मूवमेंट था दैट स्पेंड ड्राफ्टली द 14th सेंचुरी 14th सेंचुरी में बहुत ज्यादा स्प्रेड करने वाला कल्चरल मूवमेंट था रिनैसांस पुनर्जागरण ठीक है अह uh, 14th सेंचुरी टू अह कब तक 17th सेंचुरी ये मोमेंट कंटिन्यू रन किया जो रिनैसांस uh, या रिनोसेंस जो एक बार आप लोग गूगल पे प्रॉपर डेफिनेशन देख लेना तो ये जो मोमेंट था स्टार्ट तो हुआ इटली में फिर पूरे रेस्ट ऑफ यूरोप में फैल गया इसका एम था बच्चा जो क्लासिकल ग्लोरी है लर्निंग की कल्चर की एंशंट ग्रीस और रोम की उसको रिवाइव करना ओके okay? इट एम टू तो रिवाइव क्लासिकल ग्लोरी लर्निंग कल्चर ऑफ़ एंशन ग्रीस एंड रोम क्रिएटर ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता है ग्रीस को इसी को रिवाइव करने की बात हो रही थी In the of अब इसमें क्या क्या करना है आर्ट को आर्किटेक्चर को लिटरेचर को फिलासफी को ठीक है तो इन सारी चीजों पे इन्फ्लुएंस आया आर्किटेक्चर, लिटरेचर फिलासफी एंड साइंस ऑफ दिस पीरियडेंड बास जो रनॉसो या रन रेनासेंस थिंकर थे वो रैशनलिस्ट थे हर बात में रीज़न कहाँ है ये खोजते थे ये देखते थे मीन्स हम ऐसे ही किसी बात को नहीं मान लेंगे कि ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा ऐसे नहीं करो रीज़न होना चाहिए बहुत ही रैशनलिस्ट थे सारे रेनासेंस थिंकर वो लोगों से सोचते थे कि ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर लेते हो तुम चर्च ने जो बोला वो मान लिया ये कोई बात हुई वाई यू ऑल आर ब्लाइंटली एक्सेप्टिंग एवरी थिंग वट एवर टोल्ड बाई चर्च रीज़न रैशनल भी रैशनल भाई यार सोचो तो पर आप तो सोच ही नहीं रहे हो तो गलत है द क्वेश्चन बिलीफ फाउंडेड ऑन ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशियस वो उन सारी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन करने लगे जो सुपरस्टिशियस पे बेस्ड थे ब्लाइंड फेथ पे बेस्ड थे पीपल वर आज टू जज एंड एक्सेप्ट थिंग्स इन द लाइट ऑफ रीजन ये लोगों से बोलने लगे किसी भी चीज़ को जज करना है एक्सेप्ट करना है तो थोड़ा लॉजिक थोड़ा रीज़न थोड़ा साइंस तो सोचो भाई बिल्कुल अंधों की तरह कुछ भी आने दो एक्सेप्ट कर लो ये तो गलत बात है हियर द पिक्चर्स ऑफ सम रिनाइसेंस पीपल आर गिवन हम देखते हैं कौन खान है ये तो ये हैं बच्चा मिकलेंजिलो बनोटी मिकलेंजलो बुनारोटी ठीक है अब इसका जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है वो माइकल भी है माइकल भी है पर जो ओरिजिनल रियल प्रोनाउंसिएशन है वो मिकल एंजलो बुनोराटी है ठीक है और बेटा प्रोनाउंसिएशन से ज़्यादा स्पेलिंग का देख लेना है ना क्योंकि हमें कॉपी में लिखना है हमारा ओरल टेस्ट नहीं होने वाला है Nicholas Copernicus William Shakespeare Isaac Newton Niccolo Machiavelli Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci Vinci Leonardo da Vinci uh, Niccolo Machiavelli Isaac Newton William Shakespeare uh, Nicholas Copernicus and Michelangelo Buonarroti तो भाई जो रिनासेंस पीपल थे वो लोगों से बोल रहे थे रीज़न तो देखो भाइयों फिर बिलीव करो लोगों ने भी इनकी बातों को सोचा समझा और ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए अपनी रीजनिंग को यूज़ करने लगे टू अराइव एट कंक्लूजन्स ओके तो जो ह्यूमंस थे वो सेंटर बन गए स्टडी के ह्यूमन बिकेम सेंटर ऑफ स्टडी ड्यूरिंग द रनाइसेंस सेक्युलर थीम्स आने लग गई ठीक है क्या पूरे टाइम रिलीजन 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 नो सिक्युलर थीम्स भी इस टाइम में आई ह्यूमन फॉर्म का डेपिक्शन होने लगा पेंटिंग्स पे स्कल्पचर पे फोकस ज्यादा रहा लोग सेक्युलर थीम्स पे, पे पेंटिंग बना रहे हैं ह्यूमन फॉर्म की बात कर रहे हैं और जो ट्रू स्पिरिट थी विचार की उससे ही रिप्रेजेंट ही किया है स्कल्पचर ने राइटर्स ने पेंटर्स ने साइंटिस्ट ने उस टाइम के जितने भी स्कल्पचर्स थे राइटर्स थे पेंटर्स थे साइंटिस्ट थे वही बताते हैं हमें ट्रू स्क्रिप्ट स्पिरिट ऑफ ठीक है जैसे अभी हमने देखा मिकलेंजलो बुनरोटी बुनरोटी विलियम शेक्सपियर लियानोडा विंसी निकोलस कोपरनिकस, निकल गैली एंड आइजक न्यूटन ये तो कुछ नाम ही बच्चा बहुत थे हमारे इंडिया की बात करें तो राजा राम मोहन रॉय ईश्वर चंद्र विद्यासागर पंडिता रमाबाई नाउ रिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन था वो एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था यूरोप की हिस्ट्री में यहाँ से एक नए स्पिरिट की बात हुई

ये चर्च को रोमन कैथोलिक चर्च को इतनी प्रिवलीजस किसने दिए ये क्यों हमसे टैक्स कलेक्ट करेंगी ये क्यों जैसे चाहे हमें रन करेंगे क्यों हमारे लिए रूल्स बनाएंगे रेगुलेशन बनाएंगी दिस वॉज द मोस्ट क्वेश्चनेबल थिंग ठीक है क्यों भाई क्यों कुछ लोगों ने तो डायरेक्टली चर्च के अपोज में बोलना चालू कर दिया ठीक है दैट बिकेम टू रिच पावरफुल एंड करप्ट कि जो चर्च है इतना रिच कैसे बना इतना पावरफुल कैसे बना इतना करप्ट कैसे हुआ और ये ही कुछ लोगों का जो ग्रुप था उसे हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट्स क्या कहते हैं बच्चा प्रोटेस्टेंट्स ठीक है क्रिश्चियनिटी की जो ब्रांचेस हैं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट तो प्रोटेस्टेंट वो लोग थे जो चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करके कहे कि तुम इतने रिच पावरफुल has given यू स्पेशल privileges, फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन दस मच पावर ये लोग थे प्रोटेस्ट ठीक है और जो पूरा के पूरा इंग्लैंड है जिसने मोर देन सिक्सटी परसेंट वर्ल्ड एरिया को कंट्रोल किया यहाँ पर प्रोटेस्टेंट ही रहते हैं ठीक है जो हर बात का रीज़न ढूंढते हैं जो रिफॉर्मेशंस थे द जो रिफॉर्मेशन अटैक द प्रैक्टिस ऑफ ब्लाइंड रिफॉर्मेशन अटैक करते थे ये जो अंधविश्वास है ब्लाइंड फेथ है इस पर जो रिफॉर्मर्स थे वो लोगों से बोलते थे कि हर चीज़ जो चर्च बोल रहा है उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो भाई वो आर्ग्यू करते थे लोगों को कि बाइबल पढ़ो दे आर्ग्यूड पीपल टू रीड बाइबल लोगों से बोलते थे भैया अर्ज करते थे सॉरी मैंने इसको आर्ग्यूड पढ़ा सॉरी 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 अर्ज बोलते थे प्रार्थना करते थे मैंने यहाँ पर आर्ग्यूड बोला दैट इज़ रॉन्ग यहाँ पर अर्ज अर्ज मतलब प्रार्थना की रिक्वेस्ट की कि बाइबल पढ़ो और बाइबल में जो ट्रू जीज़स की टीचिंग्स हैं उसको फॉलो करो वाई यू ऑल और फॉलोइंग चर्च चर्च को नहीं उन्होंने अर्ज किया लोगों से बाइबल पढ़ो उसकी टीचिंग्स को फॉलो करो जो रिफॉर्मर्स थे वो बाइबल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे एज़ कम्पेयर टू पोप They were like whatever uh, reformers were there, Renaissance period reformers were there. They were believing who is supreme? Bible is supreme, not the Pope. So they were uh, for them the supreme authority is Bible. Supreme authority was Bible, not Pope. Protest against the corrupt practices of church officials, led by Martin Luther. Dehko. protest to stand. Jitne bhi ho rahe the. Uh, किसके अगेंस्ट में चर्च के अगेंस्ट में कि जो चर्च हैं वो करप प्रैक्टिस का यूज करते हैं और इस पूरे मोमेंट को लीड कर रहे थे मार्टिन लूथर मार्टिन लूथर खुद कौन थे अ मंक इन जर्मनी जर्मनी के एक मंक थे मार्टिन लूथर खुद एक मंक है देन टू ही प्रोटेस्ट अगेंस्ट द चर्च एंड लेड इट उसको लीड भी किया उन्होंने स्विट्जरलैंड में उल रिच जुवेंगली स्विट्जरलैंड में उल रिच जुवेंगली थे जॉन केलविन थे उन्होंने भी प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया इंग्लैंड में इस मूवमेंट को खुद लीड कर रहे थे हैंनरी ईर्थ ठीक है अब भाई इतना कुछ जब चर्च के खिलाफ में होगा वो चर्च जो इतना पावरफुल है इतना मोनिका का उसके पास है टैक्स कलेक्ट कर करके तो क्या वो चुप रहेगा बिल्कुल भी नहीं वो बिल्कुल चुप नहीं रहे इन रिस्पॉन्स टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में एक मूवमेंट बिगिन की रोमन कैथोलिक चर्च में टू रेस्टोर द रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द चर्च चर्च की रेपुटेशन चर्च की क्रेडिबिलिटी को वापस लाने के लिए इन लोगों ने भी रोमन कैथोलिक चर्च ने भी एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया इसे कहा गया कैथोलिक रिफॉर्मेशन टू मार्क का क्वेश्चन जरूर बनेगा डू मीन बाय कैथोलिक रिफॉर्मेशन सो इन रिस्पॉन्स टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन अ मोमेंट भी गेम विद इन द रोमन कैथोलिक चर्च प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को जवाब देने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च ने भी एक मोमेंट चलाया जिससे उनकी रेपूटेशन और क्रेडिबिलिटी वापस आए इसी को कहा गया कैथोलिक रिफॉर्मेशन मोमेंट पर ये जो डिवीजन था प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में जो इनके धर्म को लेकर अलग अलग विचार थे रहे डिस्प्यूट्स थे ये सेवनटीन सेंचुरी तक कंटिन्यू चलते रहे और आज तक की डेट में चल ही रहे हैं तो ये है मार्टिन लूथर पर इसी टाइम में यूरोप के कुछ लोग इतने ज़्यादा थक गए अंड बन लड़ाई डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट को देख कर, कि इन्होंने तो यूरोप को ही छोड़ दिया ठीक है कि भाई अब हम तो रिलीजियस फ्रीडम चाहिए हमें नहीं चाहिए एक कुछ बोल रहा है दूसरा कुछ बोल रहा है तो ये अमेरिका चले गए एक फॉर रिलीजियस फ्रीडम इन द न्यू वर्ल्ड ऑफ अमेरिका अमेरिका पहुंच गए फॉर रिलीजियस फ्रीडम नाउ वोजस ऑफ डिस्कवरी वोजिस मतलब होता है यात्रा और यात्रा किसके लिए डिस्कवरी नई नई चीज़ें नई नया खोजना है चलो तो अर्ली फिफ्टीन सेंचुरी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट रूट था यूरोप और एशिया के बीच में ठीक है वॉज एन ओवरलैंड रूट दैट पास थ्रू वेस्टर्न एशिया वेस्टर्न एशिया से पास होता हुआ एक ओवरलैंड रूट था जो यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता था और एशिया के साथ जो ट्रेड था यूरोप का बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल था इम्पोर्टेंट तो किसके लिए यूरोपियंस के ठीक है एमंग अदर थिंग्स बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी चाहिए थी पर उनको बेसिकली चाहिए था हमसे स्पाइस मसाले ठीक है अभी मसाले क्यों चाहिए थे टू प्रिजर्व मीट मीट को प्रिजर्व करने के लिए उन्हें चाहिए थे हमसे मसाले ठीक है टेक्सटाइल फ्रॉम एशिया टेक्सटाइल्स भी चाहिए था बेसिकली हमारा कॉटन तो ये पॉपुलराइज आइटम थे जिनसे ये लोग डील करते थे तो यहाँ पर जिस इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट की बात हुई है यूरोप और एशिया के बीच में जो वर्ल्ड एंड ट्रेड रूट था अब उसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है वो प्रॉब्लम क्या है बेटा कि आफ्टर कंस्टेंटिनोपल जिसे आज हम इंस्तानबुल बोलते हैं इसके ऊपर एक सॉन्ग भी है सिर्फ डालना सॉन्ग ऑन कंस्टेंटिनोपल इंस्तानबुल बहुत बढ़िया सॉन्ग है तो वो जो सॉन्ग है वो तो सुन ही लेना अभी यहाँ सुनो जो आफ्टर कंस्टेंटिनोपल जिसको आज हम इस्तानबुल बोलते हैं वो जीत लिया किसने टॉक्स ने अब जो ओवरलैंड रूट था अब वो देखो देखो टॉक्स इस्लाम मुस्लिम यूरोप क्रिश्चियनिटी तो तुम्हें लगता है कि टॉक्स उस इतने बड़े कंस्टेंटिनोपल एरिया को जीतने के बाद यूरोपियंस को बोलेगा ओके ओके गो फ्रॉम देयर एंड ट्रेड विथ एशिया नहीं ऐसा नहीं बोलेगा इतने प्यार भरे रिश्ते नहीं थे उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि अब आप तो यहाँ से नहीं जा पाओगे तो टॉक्स ने ब्लॉक कर लिया ट्रेड रूट को टू एशिया अब न्यू सी रूट चाहिए न्यू रूट चाहिए सी क्या कहीं से भी बस रूट चाहिए न्यू आ, रूट चाहिए था एशिया पहुँचने के लिए थर्स हैड उसे अब ढूंढना ही पड़ेगा तो अब रेस लग गई पूरे यूरोपियन में स्पेन पोर्चुगल इंग्लैंड फ्रांस स्पेन एवरीबडी वॉन्ट टू सर्च अ रूट फॉर एशिया कहाँ से हम एशिया पहुँच जाए ठीक है बहुत सारे यूरोपियन रूलर्स फाइनेंस्ड एक्सपीडिशन बहुत सारे यूरोपियन रूलर्स ने एक्सपीडिशन को फाइनेंस करना चालू कर दिया चलो हम तुम्हें तो इतना पैसा देते हैं जाओ जाके ढूंढो एशिया कैसे पहुँच सकते हैं मिनिमम टाइम में कम से कम टाइम में एशिया कैसे पहुँच सकते हैं ये लो पैसा और ढूंढो बहुत सारे यूरोपियन रूलर ऐसा कर रहे हैं कि भाई न्यू ट्रेड रूट मिले कहाँ जाने के लिए ईस्ट और बेसिकली ईस्ट में इनको आना कहाँ था हमारे इंडिया और हमारे नेबर चाइना क्योंकि चाइना को भी बहुत एंशंट टाइम से यूरोप जानता था इंडिया को भी एंशेंट टाइम से यूरोप जानता था तो इन्हें आना हमारे ही पास था तो जो ट्रमेंडस ग्रोथ हुई जोग्राफिकल नॉलेज में न्यू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के इन्वेंशंस हुए फुलट टू एक्सप्लोरेशन इन्होंने एक्सप्लोरेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया ऑगमेंट किया फॉस्टर किया ठीक है किसको एक्सप्लोरेशन को अब नए नए इन्वेंशन हैं अच्छी शिप्स हैं तो आप एक्सप्लोर ज़्यादा कर पाओगे इम्प्रूव्ड मैप्स आने लग गए इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे जैसे क्वाड्रेंट एस्ट्रोबल एस्ट्रूबल एस्ट्रोलैब क्वाड्रेंट आया एस्ट्रोलैब आया क्वाड्रेंट आया एस्ट्रोलैब आया मेरीनर uh, कंपास आया ठीक है अपने अपने इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं अब सी के अंदर भी हैं पानी के अंदर भी हैं तो भी आप आपके लैटिट्यूड का पता लगा पा रहे हो टाइम का पता लगा पा रहे हो डायरेक्शन का पता लगा पा रहे हो तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आ गए क्वाड्रेंट आ गया एस एस्ट्रोलैब आ गया ठीक है कंपास आ गया तो जो सी जर्नी थी सेलिंग थी वो थोड़ी सी सेफ हो गई सी जर्नी सी सेलिंग थोड़ा सा सेफर साइड में आ गया किसके आने के बाद क्वाड्रेंट एस्ट्रोलैब कंपास, अब यहीं पे स्टूडेंट से एक और डिस्कवरी हुई थी गन गन पाउडर भी आ गया था जिससे कि अगर आप देखो एस्ट्रोलैब है क्वाड्रेंट है कंपास है तो आप डायरेक्शन नहीं भूलोगे पर व्हाट अबाउट सी पायरेट्स कैरेबियन ऑफ पायरेट्स ऑफ कैरेबियन आपने देखी होगी ना मूवी नहीं देखी तो देखो बहुत अच्छी मूवी है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन समुद्री डाकू है ना तो उनसे भी तो डर था तो उनके लिए हमें गन चाहिए थी गन पाउडर चाहिए था तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है तो अब न्यू रूट्स न्यू लैंड्स को डिस्कवर करने का कॉम्पिटिशन चलाइ सीलर एंड एक्सप्लोरर फोर्टीन फोर्टीन नाइनटी नहीं बेटा फोर्टीन एटी एट कब फोर्टीन एटी एट ठीक है फोर्टीन नाइनटी एट भी बहुत इंपॉर्टेंट है पर अभी तो हम फोर्टीन एटी एट पढ़ते फिर फोर्टीन नाइनटी एट भी पढ़ेंगे फोर्टीन एटी एट में बार्थोलोमियो डायस कहाँ पहुँचा सदर मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका जैसे ये रहा अफ्रीका इसके सदर मोस्ट टिप पे पहुँच गए थे हमारे बार्थोलोमियो डियाज इसके बाद इन्हें चारों तरफ पानी दिखा है इधर इंडियन ओशन दिख रहा है इधर सदर्न ओशन दिख रहा है यहाँ अटलांटिक ओशन दिख रहा है इसके बाद ये सोचे अब तो मैं ऐसा ना घूम जाऊँ तो इन्होंने अपनी जर्नी यही रोक दी और इस जगह को सदर्न टिप को नाम दे दिया केप ऑफ गुड होप तब से इसका नाम केप ऑफ गुड होप ही है फिर आए हमारे फास्कोडिगरा मैम फॉलोड द सेम रूट वास्को फास्कोडिगा में बार्थोलोमिया डाइस का ही रूट फॉलो किया तो देखो ये यूरो पॉर्चुगल से यहाँ तक तो आ गया क्योंकि यहाँ तक तो बार्थोलोमी में भी पहुँच गए थे फिर ये यह यहाँ से आगे चले और हमारे इंडिया पहुँच गए कब पहुँचे फोर्टीन नाइन्टी एट में तभी मैंने बोला था ना फोटीन एटी एट भी इम्पॉर्टेंट है फोर्टीन नाइन्टी एट और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम एक पॉर्चुगल नेविगेटर वह उसको दिगा हम पॉर्चुगल एक्सप्लोर कहाँ पहुँच गए इंडिया पहुँच गए ठीक है इसी टाइम में क्रिस्टोफर कोलम्बस भी निकले थे न्यू डिस्कवर करने एशिया के लिए पर वो थोड़ा उल्टा पहुँच गए मतलब ऐसे कुछ जोश जोश में वो उल्टी डायरेक्शन में निकल गए फिर भी उन्हें बहुत फायदा हुआ क्योंकि वहां पर उन्होंने डिस्कवर कर लिया अमेरिका को जहाँ से इन्होंने खूब कोल्ड खूब सिल्वर चुराया किसने ये यूरोपियंस ने लेटर एमरीगो वेस्पुची भी अमेरिका पहुंचे फिर फोर्ड मेगलिन पोर्तगिज सेलर ही थे ये पहले सेलर थे जो उन्होंने पूरा वर्ल्ड का चक्कर लगा लिया मतलब पूरा सी में बैठ के पूरे वर्ल्ड को घूम लिया किसने फर्डेन मैगलिन ने फिर अमेरिका वैसे पूछी कहाँ पहुँचे अमेरिका इसके पहले अमेरिका कौन पहुँचे क्रिस्टोफर कोलम्बस इंडिया पहुँचे बास्कुडी गा और केप ऑफ गुड पहुँचे थे बार्थुलोमी डाउट एनी प्रॉब्लम